कंटेम्प्रेरी मोरालिटी और कंटेम्प्रेरी एस्पिरेशन को मिलके बनती है। ऐसा सही है और ऐसा होना चाहिए, इन दोनों को मिला लीजिए, कंटेम्प्रेरी हीरो बन जाएगा। आज कौन है? मैं समझता हूँ कि आज जो राइटर्स हैं उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे आदमी को आज का हीरो कहें, किस तरह से कहें, क्या कहें। ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि समाज में कन्फ्यूजन है। जब समाज क्लियर होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तब आपको बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं कहानियों में। जब समाज ही तय न कर पाए कि क्या गलत है और क्या सही है, तो फिर बड़े कैरेक्टर नहीं बन पाते। किस्सा ये है कि एक ज़माने में ज़िंदगी बड़ी सादा थी, अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे कहानियों में। अब बात यह है कि हम सब के दिमाग में एक ही सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति। तो अब हम अमीरों को बुरा नहीं दिखा सकते, हम तो खुद अमीर बनना चाहते हैं, तो हम बुरा किसको कहें, और जेल भी नहीं जाना चाहते। तो हमारे बड़े बंधन हैं हम पर इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि ये जो यंग फिल्म मेकर हैं, इनका बड़ा इम्तिहान है कि आज आप किस तरह का चरित्र बना के पेश करेंगे और ये समाज किस चरित्र की पेवाह वाह करेगा। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। मुझे लोग बहुत बोलते हैं, साहब आजकल कैसे गाने होने लगे। गाने तो 6-7-8 आदमी मिलके बनाते हैं। चोली के पीछे क्या है, एक आदमी ने लिखा था, दो आदमी ने कंपोज किया था, दो लड़कियों ने उस पर डांस किया था, एक कैमरामैन ने शूट किया था, एक कोरियोग्राफर ने उसे अरेंज किया था। 8-9-10 लोग हो गए, या 8-9-10 लोग थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि गाना समाज में सुपरहिट हो गया था, ये करोड़ों लोगों को अच्छा लगा था, ये डरावनी बात है। हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सिनेमा बनाने वालों से ज्यादा सिनेमा देखने वालों की है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय किए कि कैसी फिल्में बनेंगी और कैसी फिल्में नहीं बनेंगी, हमारी फिल्मों में क्या संस्कार होंगे, क्या वैल्यूज होंगी, क्या मोरालिटी होगी, और किसको आप रिजेक्ट करेंगे, ये फैसला आपको करना। बॉल जो है इस वक्त आपके कोर्ट में है। ये जैसे जो हमारे दो यहाँ बैठे हैं और भी हैं फिल्म मेकर, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, बल्कि शायद एक दो उंगलियाँ ज़्यादा निकले।